रुस्तम मान गया सितारा से शादी करने के लिए राजी हो गया। और जोग लेना इतना आसान नहीं है, और मुझे पता था इतने जोगा नहीं है वो। ये ऐश छोड़ना उसके बस की बात नहीं है। वो आकनामा देखकर नहीं माना, वो अपनी माँ के आंसू देख के राजी हुआ। चल, उस जिंदगी में तुमने भी कोई ढंग का काम कर लिया तो फिर कब चलना शाहनवाज की तरफ? रुस्तम आपसे पहले कोई बात करना चाहता, उसकी बात सुन ले। वो अब क्या सुनना बाकी रह गया है, चल सुन लेते हैं। तो तुम्हारी माँ कह रही थी तुमने कोई बात करनी है मुझसे, कहो क्या बात है? जी डैड, वो एक लड़की है मेरी यूनिवर्सिटी में। और तुम तो कह रही थी ये राजी है, वो ये तो किसी दूसरी लड़की की बात कर रहा है। मेरी बात तो पूरी होने दे डैड। कहो। मुझे उस लड़की में कोई इंटरेस्ट नहीं है, थोड़ी साइको सी है। उसने मुझे धमकी दी है कि अगर मैं उसके घर रिश्ता ना भेजूंगा तो वो सुसाइड कर लेगी। हाँ जी, जान ले लेगी अपना। अच्छा, तो आप लोगों को उसके घर जाना है रिश्ता लेकर? वो क्या बेहूदगी है, उसे समझाने जाना है। आपको बस उसको समझाना है कि आपने मेरा रिश्ता सितारा के साथ तय कर लिया है। मैं उसे 1000 दफा समझा चुका हूँ, वो मेरी बात तो नहीं समझ रही। पागल सी लड़की है, कहीं कुछ करना बैठे। मैं आपके इतने सारे काम करता हूँ, आप मेरा एक छोटा सा काम नहीं कर सकते डैड? क्या है ये? समझा। रुस्तम कम अकल है, नादान है, मगर आप तो उसकी ये बेहुदा हरकत ना माने। जरा सोचें, आपको ये बात जेब देती है कि आप किसी के घर जाकर उसकी बच्ची को ठुकराएं? ओ, ये शरत तुम्हारी साहबजादेगी रखी हुई है, मैं क्या कर सकता हूँ? आप उसे डांटें, समझाएं उसे, ये तो बहुत ही गिरी हुई हरकत है। और देखो मेहरुनी साहब, मुझे सिर्फ इस बात से गरज है कि रुस्तम सितारा से शादी कर रहा है, इसके लिए मैं कुछ भी मानने को तैयार हूँ। चौधरी साहब, ये आप इखलाक से गिरा हुआ काम करने जा रहे हैं। जरा सोचें उस बच्ची के बारे में, उसके दिल पर क्या गुजरेगी। चौधरी साहब, आप अपनी ख्वाहिश की तकमील की जल्दी में ये भी भूलते जा रहे हैं कि एक टूटे हुए दिल की आह बहुत ताकतवर होती है। एक तरफ आप रुस्तम की शादी करने जा रहे हैं, उसके सर पे सेहरा सजाने जा रहे हैं, और दूसरी तरफ उसके लिए उम्र भर की पीछा करने वाली बद्दुआएं समेटने जा रहे हैं। हो गई तुम्हारी तकरीर खत्म, हो गई है तो मैं कुछ अर्ज करा? और मैं कोई उस लड़की के जज्बात की तौहीन करने या उसकी तजलील करने नहीं जा रहा, बल्कि मैं वहां जाकर उसे सिर्फ ये समझाऊंगा कि पुत्र जी, हम रुस्तम का रिश्ता तय कर चुके हैं, और वो भी कोई जज्बाती कदम ना उठाए। तो ठीक है, आप उसे फोन कर लें, फोन पे समझा दें, उसके घर जाने की क्या जरूरत है? तो आड़ा कुछ नहीं हो सकता। क्योंकि मैं ग्रीन हूं।